हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल एंड वेलकम टू आवर चैनल वंशम। होप्स ऑफ घर पर सब ठीक हो। तो इससे पहली वीडियो तक हमने 3.1 एंड 3.2 के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे और काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, और आज हम 3.2 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो मुझे लगता है बच्चों के ज्यादातर डाउट्स होते हैं, और वो एक बार मैं आपको पहले ही करवा दूं। तो आपको इसी के साथ 3.1 और 3.2 अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दें। क्लियर? तो करें स्टार्ट। अब हम करेंगे 3.2 के कुछ क्वेश्चंस, जो हमने टॉपिक तो सारा कवर कर लिया था, उसके साथ मैंने एग्जांपल्स भी कराई थी आपको, और उसके बिना जो मुझे लग रहा है कि 3.2 में जो क्वेश्चंस डाउट हो सकते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही करवा रहा हूं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है 3.2 का 13th क्वेश्चन। ठीक है, और इस क्वेश्चंस के लिए हमें कुछ फॉर्मूलास याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, जो हमने काफी पहले पढ़े थे, जब आप छोटे छोटे से थे तब पढ़े थे प्लस वन में। तो ये फॉर्मूलास क्या है, देखो, इसमें साइन ऑफ ए प्लस बी, ये किसके इक्वल है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर? ठीक है, ये याद रखने हमें फॉर्मूलास। अगर यहां पे माइनस आ जाए तो यहां पे माइनस आ जाता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पे अगर प्लस है तो यहां पे माइनस होगा, है ना, तो यहां पे अगर माइनस है तो यहां पे प्लस होगा। ये चार फॉर्मूलास बन गए एक तरह से। ठीक है, इन फॉर्मूलास को जो हमने प्लस वन में किए थे इसको हम यूज करेंगे अब इस क्वेश्चन में। देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, हमें एफ ऑफ एक्स दे दिया उसने, एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इस मैट्रिक्स की फॉर्म में। हमें क्या प्रूव करना है, हमें शो करना है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, मल्टीप्लाई करना दोनों को, वो किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इसके इक्वल आएगा। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है चीज? ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड समझते हैं कि राइट हैंड साइड क्या बनेगी हमारी। देखो, राइट हैंड साइड हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से समझो, देखो यहां पे अगर एक्स है तो अंदर इस यहां पे भी एक्स लिखा है, यहां पे भी एक्स लिखा है, यहां पे सब जगह एक्स लिखा है, एक्स के बिना कोई और वेरिएबल नहीं है। अब अगर हमें लिखना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई लिखेंगे x की जगह पे। तो इसमें x की जगह पे x प्लस वाई लिख देते हैं, देखो क्या बनेगा, cos x की जगह के cos of x प्लस वाई, x की जगह पे x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, जीरो जीरो तो एज इट इज रहेगा, साइन x क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x प्लस वाई, cos x बनेगा cos of x प्लस वाई, ये भी जीरो, यहां पे भी जीरो जीरो, ये वन एज इट इज। तो ध्यान से देखो, ये वाली बन गई राइट हैंड साइड। क्लियर? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ये बन गया। अब हम बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब जो ये चीज है, इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है, इसको तो हमने लिख लिया, अब हम इसको लिखते हैं। देखो, एफ ऑफ एक्स वो तो हमें वैल्यू पता ही है, यहां पर पड़ी हमारे पास, क्या वैल्यू आएगी, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉज एक्स जीरो 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 वन, ये हमने वैल्यूज कहां से उठा ली, यहां से एफ एक्स से। अब एफ ऑफ वाई कैसे लिखेंगे, एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना है, वाई लिखना है, तो यहां पे सब जगह पे एक्स की जगह पे वाई लिख दो, तो देखो क्या बनेगा, कॉज वाई माइनस साइन वाई जीरो, यहां पे आएगा हमारे पास साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 एंड वन। चेक करो, ये बनेगा हमारे पास, हमने यहां पे क्या किया, एक्स की जगह पे वाई लिख दिया, तो ये बन गई। अब देखो, एक ये मैट्रिक्स हो गई हमारी, एक ये मैट्रिक्स हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, और ये बनेगा भी बिल्कुल इजीली। देखो, हमें मल्टीप्लाई करना आना चाहिए सबसे पहले। देखो, हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या करेंगे, फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या बनेगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, जीरो और जीरो ये तो खत्म ही हो गया, तो बनेगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो यहां पे आ गया माइनस साइन एक्स साइन वाई। क्लियर है चीज? ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ यहां पर लिखेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ कॉस एक्स माइनस साइन वाई, तो देखो ये बन गया हमारे पास माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये बनेगा ना,
कॉस एक्स को माइनस साइन वाई, माइनस साइन एक्स को कॉस वाई के साथ, तो ये बन गया माइनस साइन एक्स कॉस वाई। अब आगे देखो, जीरो को जीरो के साथ, तो यहां पे लिखने की जरूरत ही नहीं, जीरो को क्यों लिखेंगे, क्लियर। अब आगे, अब देखो इस फर्स्ट रो को फर्स्ट के साथ किया, यहां पे लिखा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ यहां पे लिखा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ कहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, फर्स्ट रो में लिखना है। तो कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो, माइनस साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, तो ये तो सारा क्या बन गया, जीरो, तो यहां पर जीरो आ गया, क्लियर ये चीज। तो हमने फर्स्ट रो को सारे कॉलम के साथ कर दिया और यहां पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या बनेगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब जीरो को जीरो के साथ खत्म। अब क्या करेंगे, यहां पर हो गया ना फर्स्ट, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो ये बन गया साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, ये बनेगा। अब कॉस एक्स को कॉस वाई के साथ, तो यहां पे आ गया प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, क्लियर, कॉस एक्स को कॉस वाई, जीरो को जीरो के साथ, तो वो लिखना ही नहीं हमें। अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम, जीरो कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, तो यहां पर क्या आएगा, जीरो, क्लियर। अब इसके बाद अब हम करेंगे थर्ड रो, थर्ड रो से इसको, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम जीरो, यहीं पे भी जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, तो ये बन गया हमारा जीरो, जीरो। अब क्या करना है, थर्ड रो को सेकंड कॉलम जीरो, ये भी जीरो, जीरो इंटू कॉस वाई जीरो, वन इंटू जीरो जीरो। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम जीरो, जीरो को जीरो के साथ जीरो, वन इंटू वन वन, तो ये बन गया हमारा वन, क्लियर चीज। तो हमें मल्टीप्लाई कर लिया सारा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके बन गया। अब इसके बाद देखो, अब देखो इसके बाद में यहां से फॉर्मूलाज यूज करने हैं। अब ये चीज देखो, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो देखो फॉर्मूला लिखा हुआ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो यहां पर वही चीज है ना, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, उसके साथ मैच करो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, क्लियर ये चीज, क्योंकि कॉस में अगर प्लस होगा तो वो माइनस बन जाएगा, ठीक है, तो ये चीज बन गई। अब इसमें देखो ये बिल्कुल इजी, माइनस देखो, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, माइनस तो कॉमन आ जाएगा, क्लियर, तो इस माइनस को तो हम बाहर लिख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस माइनस को कर देते हैं कॉमन बाहर, तो ये ब्रैकेट बन गई, ये क्या बन जाएगा, प्लस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये बनेगा माइनस कॉमन निकाल लिया। अब देखो ये क्या बना, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, देखो ये नहीं बन गया हमारे पास, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्लियर ये चीज, अल्टरनेट, तो वही है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, माइनस एज इट इज पर है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, क्लियर ये चीज, समझ आई बात, है ना, इसका हमने वहां से फॉर्मूला लगा दिया साइन वाला। अब जीरो तो एज इट इज रहेगा, ये जीरो एज इट इज, ये जीरो एज इट इज, ये वन भी एज इट इज, नीचे भी ये दोनों जीरो एज इट इज, क्लियर है चीज। अब दो चीजें रह गई, अब ये देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो ये सेम फॉर्मूला बन गया ना, ये वाला साइन एक्स कॉस वाई वही सेम, क्या बनेगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी, क्लियर, वही हमने यहां से लगा दिया। अब यहां पर देखो ये माइनस है, ये प्लस है, यहां पर कॉमन नहीं आएगा। अब कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, क्या बनेगा, ये कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, चेक करो ये चीज बनेगी, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये चीज बन गई, यहां पे हमने फॉर्मूला समझाए, तो ये बन गया हमारा, तो देखो यही तो हमारी राइट हैंड साइड है, यहां पे चेक करो, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई माइनस दिस ये सारा मैच करो, बिल्कुल सेम बन गई दोनों मैट्रिक्स, तो हम इसको मान लेते हैं वन और इसको मान लेते हैं टू, तो फ्रॉम वन एंड टू, तो हमारे पास वन एंड टू से क्या आ गया, जो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है, समझ आया सारा क्वेश्चन, क्लियर। तो ये था हमारा 13th क्वेश्चन, अब हम करेंगे 21st एंड 22nd क्वेश्चन, क्लियर।
वो एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत इजी है, ठीक है। उसके लिए देखो ये थोड़ी सी चीजें जो छोटी छोटी सी ऑब्जर्वेशन जो हमने पहले कर चुके हैं उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। मान लो अगर एक ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन और एक बी मैट्रिक्स है, तो अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो अगर यहां पे एन है तो यहां पे बी में पहले क्या आएगा, बी के ऑर्डर में एन ही पहले आएगा क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होंगे तो ही हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है चीज। तो ये एम क्रॉस एन तो इसको क्या होना पड़ेगा, एन क्रॉस पी, पी कुछ भी हो सकता है लेकिन ये अगर एन है तो ये भी एन होगा, क्लियर, ये दोनों सेम होने चाहिए। अब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर कितना आएगा, ये दोनों एन खत्म हो जाएंगे, एम क्रॉस पी ये बन गया ऑर्डर नया, एम क्रॉस पी, जब ए एंड बी को मल्टीप्लाई किया तो नई मैट्रिक्स आ गई सी, एम क्रॉस पी ऑर्डर, ठीक है। ये ऑर्डर से रिलेटेड थोड़ा सा। और अब मान लो अगर एक ए मैट्रिक्स है, एक तो हमें ये पॉइंट ध्यान में रखना है, अब सेकंड अगर ए मैट्रिक्स है इसमें देखो कितनी रोज है, दो रोज हो गई ना, हॉरिजॉन्टल रो है, हॉरिजॉन्टल तो ये वन एक हॉरिजॉन्टल, ये टू सेकंड हॉरिजॉन्टल, कॉलम ए की कॉलम है देखो, क्लियर, तो दो रोज एक कॉलम तो ऑर्डर कितना बना, टू क्रॉस वन, इसमें देखो टू रोज एक कॉलम तो ऑर्डर टू क्रॉस वन, एक ए मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स। अगर ए प्लस बी हम फाइंड करें, ए प्लस बी तो क्या आएगा चेक करो, तो हम क्या करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, वन प्लस थ्री फोर, टू प्लस फाइव सेवन, तो यही बनेगी मैट्रिक्स। तो देखो इसका ऑर्डर था टू क्रॉस वन दोनों का, तो इसका भी ऑर्डर कितना है, टू क्रॉस वन ही है। अगर हम इनको माइनस करेंगे ए और बी को, तो माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू, टू माइनस फाइव माइनस थ्री, तो देखो इसका ऑर्डर भी कितना है, टू क्रॉस वन ही है, क्लियर। अब हमने ए के लिए क्या फाइंड किया, सेवन इंटू ए, एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर इसमें एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर कैसे मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सेवन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेवन, टू के साथ करेंगे सेवन टू सर फोर्टी, तो ये हमारा क्या आ गया, सेवन ए आ गया। देखो अगर एक नंबर को मल्टीप्लाई किया इसका ऑर्डर टू क्रॉस वन, तो इसका ऑर्डर भी कितना रहा, टू क्रॉस वन ही रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम है तो उसको एड करो या उसको सब्ट्रैक्ट करो तो ऑर्डर वही सेम ऑर्डर ही रहता है, ठीक है। अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो भी ऑर्डर क्या रहता है, सेम ही रहता है, क्लियर, ये चीज हमें पता लग गई। अब देखो जो 4 पॉइंट, जो हमारी 3.2 है उसमें जो क्वेश्चन है 21st और 22nd क्वेश्चन, उसके लिए उन्होंने कुछ मैट्रिसेस के ऑर्डर दिए हैं। एक्स एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस एन, वाई का 3 क्रॉस के, जेड का 2 क्रॉस पी, डब्ल्यू का एन क्रॉस 3 एंड पी मैट्रिक्स का पी क्रॉस के, ये ऑर्डर दिए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा, देखो द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी, इन तीनों पे रिस्ट्रिक्शन फाइंड करनी है सो दैट ये डिफाइन होना चाहिए, पी इंटू वाई मैट्रिक्स, पी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, पी इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई ये डिफाइन होना चाहिए, क्लियर। तो इस पे हम क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए, ये सारा डिफाइन हो, तो देखो हम यहां पर लिखते हैं, देखो पी सबसे पहले पी मैट्रिक्स, अब पी का ऑर्डर कितना है, पी क्रॉस के, उसको हम यहीं पर लिख लेते हैं, P क्रॉस के ये ऑर्डर हो गया। फिर क्या हमारे पास Y, Y का ऑर्डर कितना है हमारे पास, 3 क्रॉस K प्लस W, अब W का ऑर्डर कितना है, N क्रॉस 3, क्लियर, W Y, अब Y का ऑर्डर 3 क्रॉस K, ठीक है। अब हमने देखो इसके साथ ऑर्डर्स लिख लिए, अब इस सारे को डिफाइन करना है, तो डिफाइन कैसे होगा, पहले तो ये मल्टीप्लाई होना चाहिए एंड ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, पहले तो ये मल्टीप्लाई होंगे, जब ये दोनों हमने मल्टीप्लाई कर लिए फिर इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई कब होंगे, जब ये दोनों चीजें सेम हो, ये दोनों चीजें सेम हो, तो इसका मतलब जो के है वो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होना जरूरी है। अगर के 3 के इक्वल नहीं हुआ तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा तो डिफाइन नहीं होगा, तो इसका मतलब के किसके इक्वल रहेगा, 3 के इक्वल बनना चाहिए ही चाहिए। तो दैट मींस एक तो हमें पता लग गया कि के को 3 रखना जरूरी है, क्लियर, तो के 3 फिक्स हो गया हमारा, तो के को हम 3 फिक्स कर लिया, मान लो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो पी वाई, जब पी को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक मैट्रिक्स बन जाएगी कोई, उस ये पी वाई एक मैट्रिक्स बन गई। अब इसका ऑर्डर कितना होगा, के तो 3 हो गया तो ये तो खत्म, तो बचेगा क्या, पी और पीछे से के, अब के की वैल्यू कितनी है, 3, क्योंकि यहां पे के 3 होगा फिर ही आगे जाएंगे ना हम, तो के तो यहां पे 3 हो ही चुका है, तो पी और के को हमने 3 लिख लिया, ये बन गया,
प्लस। अब देखो ये कब मल्टीप्लाई होगा, जब ये दोनों सेम हो, तो देखो 3 और 3 ये पहले से सेम है तो कोई दिक्कत नहीं हमें, 3 और 3 पहले से सेम। अब ये क्या बनेगा, डब्ल्यू वाई एक मैट्रिक्स बन गई। अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, एन क्रॉस के, एन क्रॉस के। अब देखो के क्या है, के तो 3 हो चुका है पहले, क्योंकि यहां से हम आगे तो ही आए हैं ना, यहां पे के 3 हो गया है, तो ये भी के क्या क्या बन गया, 3 बन गया। अब अगर इन दोनों को ऐड करना है हमें, एडिशन कब होती है, जब ऑर्डर सेम हो, तो इसका ऑर्डर p क्रॉस 3, इसका ऑर्डर n क्रॉस 3, 3 तो सेम ही है। अब किसको सेम होना पड़ेगा, n को और p को, ये सेम होने जरूरी है। तो इसका मतलब ये एडिशन है, यो ये एडिशन कब डिफाइन होगी, जब n और p सेम होंगे, दैट मींस n मस्ट बी इक्वल टू p, तो ये तब डिफाइन होगा जब n p के इक्वल, तो यहां पे n p के इक्वल होना चाहिए, यहां पे के 3 के इक्वल, तो ये दो कंडीशंस आ गई, क्लियर। तो ये मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब k 3 होगा, जब मल्टीप्लाई पॉसिबल हो गई तो यहां पे पहुंचे। एडिशन कब पॉसिबल है, जब n और p सेम हो, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो ये सारा हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ही डिफाइन होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा बना, चेक करो, n इज इक्वल टू p एंड k इज इक्वल टू 3, तो आंसर आ गया हमारा ए ऑप्शन, क्लियर। अब हम देखते हैं 22nd, देखो इसमें क्या बोला है, इफ n इज इक्वल टू p, n p के इक्वल है, देन ऑर्डर ऑफ, इसका ऑर्डर पूछा है हमें, 7x-5z, ठीक है। अब देखो x का ऑर्डर कितना है हमारे पास, x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, एंड z का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस p, क्लियर। अब देखो अगर x का ऑर्डर 2 क्रॉस n है, अगर हमने एक नंबर मल्टीप्लाई किया तो उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना। तो देखो 7x का ऑर्डर 2 क्रॉस n ही रहेगा, 5 अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 क्रॉस p ही बनेगा, ठीक है। अब देखो n और p तो हमें सेम ही दिए हुए हैं, तो n तो और p तो बराबर ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इस p की जगह पे क्या लिख देते हैं, n लिख देते हैं, क्योंकि सेम ही है दोनों। तो जब इनको माइनस करेंगे, देखो ऑर्डर तो सेम है, 2 क्रॉस n 2 क्रॉस n, जब माइनस करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी कितना होगा, सेम ही रहेगा। हमने देखा था ना यहां पे, देखो a और b का जितना ऑर्डर है, a माइनस b का भी उतना ही है, तो दैट मींस 7x का ऑर्डर 2 क्रॉस n, 5z का ऑर्डर 2 क्रॉस n। तो अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दें हम, अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उसका ऑर्डर भी कितना बनेगा, 2 क्रॉस n ही बनेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, बी ऑप्शन। समझ आई बात,